Dear students, I am your physics teacher, Muhammad Iqbal. Dear students, आज हम पढ़ेंगे कि आइडियल सिस्टम किसे कहते हैं, जिसका क्वेश्चन है व्हाट इज एन आइडियल सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स, आइडियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कोई भी जिस्म जो वाइब्रेटरी मोशन में हो और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो, तो ऐसे सिस्टम को हम आइडियल सिस्टम कहते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है वाइब्रेटरी मोशन ऑफ आइडियल सिस्टम इन द एब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शन आर रेजिडेंस कंटिन्यूस इंडेफिनेटली अंडर द एक्शन ऑफ अ रेस्टोरिंग फोर्स। यानी ऐसा सिस्टम जिसमें कोई जिस्म लगातार वाइब्रेटरी मोशन में रहे और उस जिस्म पर किसी फ्रिक्शन या कोई और एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो, तो उसको हम आइडियल सिस्टम कहते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डंप, क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज डंप। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकली इन ऑल द सिस्टम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिटार्ड्स द मोशन सो द सिस्टम डू नॉट ऑसिलेट इनडेफिनेटली। द फोर्स रिड्यूसेस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज टाइम पासेस एंड द मोशन इज सेड टू बी डंप्ड। दिस डंपिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने जितनी भी ऑसिलेटरी मोशन होती है, मसलन किसी बाग में लगे हुए झूले पर जब हम बैठकर झूला लेते हैं, तो उस झूले पर ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है जो उसके एम्पलीट्यूड को लगातार कम करती चली जाती है, और फिर एक टाइम वो आता है कि वो झूला बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। तो ऐसी वाइब्रेटरी मोशन जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही हो जो उसके एम्पलीट्यूड को रिड्यूस करती जाए, ऐसे सिस्टम को हम डंप कहते हैं। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी एक कि गिव एन एग्जांपल ऑफ डंप ऑसिलेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, शॉक ऑब्जर्वर्स इन ऑटोमोबाइल्स आर वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डंप मोशन। अ शॉक ऑब्जर्वर कंसिस्ट ऑफ अ पिस्टन मूविंग थ्रू अ लिक्विड सच एज ऑयल। द अपर पार्ट ऑफ द शॉक ऑब्जर्वर इज फर्मली अटैच्ड टू द बॉडी ऑफ द कार। व्हेन द कार ट्रेवल्स ओवर अ बम्प ऑन द रोड द कार में वाइब्रेट वोलेंटली। द शॉक ऑब्जर्वर डंप दीज वाइब्रेशंस एंड कन्वर्ट देयर एनर्जी इंटू हीट एनर्जी ऑफ द ऑयल। इसकी एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स मोटरसाइकिल के शॉक ऑब्जर्वर की भी है कि अगर आप घर में मोटरसाइकिल के शॉक्स को देखें, तो उन शॉक का जो अपर पार्ट होता है वो मोटरसाइकिल की बॉडी के साथ अटैच होता है, जबकि दूसरा सिरा एक ऐसे सिस्टम के अंदर अप एंड डाउन मूव करता है जिसके अंदर आयल होता है।
तो जब ये मोटरसाइकिल किसी बम्पर से गुजरता है और मोटरसाइकिल वाइब्रेटरी मोशन में आ जाता है, तो जब ये मोटरसाइकिल के शॉक ऑब्जर्वर नीचे को जाते हैं तो उनके स्प्रिंग के अंदर जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो आयल में हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और इस तरह से वो मोटरसाइकिल थोड़ी देर के बाद स्मूथ मोशन में आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, डिफाइन डंप ऑसिलेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर डंप ऑसिलेशन, यानी ऐसे तमाम वाइब्रेटरी मोशन जो किसी रेजिस्टिव फोर्स के अंडर हों। मसलन झूले की एग्जांपल है, तो झूले में उस झूले के ऊपर ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स लगातार एक्ट करती है जो उसके एम्पलीट्यूड को कम करती चली जाती है। इस तरह मोटरसाइकिल या कार के शॉक ऑब्जर्वर, वो भी जब कार या मोटरसाइकिल किसी बम्पर से गुजरते हैं तो भी ऑसिलेटरी मोशन में आ जाते हैं, और ये शॉक ऑब्जर्वर इस वाइब्रेटरी मोशन के एम्पलीट्यूड को लगातार कम करते चले जाते हैं, और फिर वो कार और मोटरसाइकिल स्मूथ मोशन में आ जाती है। तो बस ऐसे तमाम वाइब्रेटरी मोशंस या ऐसे सिस्टम जिसमें कोई जिस्म वाइब्रेटरी मोशन में हो और उस पर लगातार कोई रेजिस्टिव फोर्स एक्ट कर रही हो, तो ऐसी मोशन को हम डंप ऑसिलेशन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चार शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन आइडियल सिस्टम। तो आइडियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिस पर जिस्म पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती और वो जिस्म इनडेफिनेट अपनी वाइब्रेटरी मोशन को जारी रखता है। और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज डंप। तो हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली तमाम सिस्टम जिसमें कोई जिस्म वाइब्रेटरी मोशन पर हो तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन या फिर कोई और फोर्स एक्ट करती है जो लगातार उसके एम्पलीट्यूड को कम करती चली जाती है, तो ऐसी मोशन को हम डंप कहते हैं। और इसकी एग्जांपल कार और मोटरसाइकिल के शॉक ऑब्जर्वर की है। और फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन ये है, डिफाइन डंप ऑसिलेशन। तो ऐसी वाइब्रेटरी मोशन जो किसी रेजिस्टिव फोर्स के अंडर वाइब्रेट कर रही हो, तो ऐसी मोशन को हम डंप ऑसिलेशन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये चार शॉर्ट क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर कोई आप इसमें प्रॉब्लम महसूस करें तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। ये चार शॉर्ट क्वेश्चन आपने अच्छी तरह याद करने हैं और इनको कॉपी पर भी नोट करना है।